कश्मीर में आतंकवादी लगातार स्थानीय नेताओं को अपना शिकार बना रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या की गई थी। अब ताजा मामला जहां की आतंकवादियों ने बीजेपी के सरपंच, वेशु गांव के रहने वाले और साउथ कश्मीर के कुलगांव जिले के रहने वाले हैं, उनको गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। सज्जाद अहमद खांडे, उनके आवास वेशु के आसपास गोली मारी गई, जिसके बाद वह अस्पताल जीएमसी अनंतनाग लाए गए और वहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इकबाल सोफी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में गोलियों की बौछारों का, न हत्याओं का, न आतंकवादी होने के नाम पर हत्याओं का, न रियल आतंकवादियों का और न ही सुरक्षा बलों के साथ आम नागरिकों के मारे जाने का, लेकिन यह सिलसिला नया है। पिछले दिनों से लगातार स्थानीय स्तर के नेताओं को शिकार बनाया जा रहा है और सरपंच लेवल बहुत मामूली स्तर होता है भारतीय राजनीति का, वैसे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है जिससे कि वह बीजेपी से ना जुड़े। जिस तरह से यह हत्या की गई है पिछले दिनों, और यह बहुत साफ है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार को लेकर 370 और 35A के बाद जो विरोध और नफरत का एक माहौल बना है, वह बीजेपी के स्थानीय और छोटे नेताओं को झेलना पड़ रहा है और वह इसी का परिणाम है कि सज्जाद अहमद खांडे को गोली मार दी गई और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि उनकी एक तरफ हत्या की गई, उसी के बाद बीजेपी के तीन नेताओं ने बीजेपी से रिजाइन कर दिया, जिनका नाम है शबीर अहमद खान, वल्द रसूल खान, रियाज अहमद रैदर, वल्द अब अजीज रैदर और तीसरे हैं अब खालिक शेख, मोहम्मद सुभान शेख इनके पिता हैं। इन तीनों नेताओं ने जो कि बीजेपी में थे, इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और बकायदा कहा है कि हमारा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है और न ही कोई मायने मतलब है। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं। इनका अगला वाक्य है कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर दें। अगर हमारी किसी गलत नीति के कारण कोई किसी को नुकसान हुआ है तो उसको भी हमें माफ़ कर दें। जिन सरपंचों ने सरपंच की हत्या के बाद बीजेपी को छोड़ा है, उनकी भाषा को समझिए कि जाहिर तौर पर वह आतंकियों से खौफ है। सवाल ये है कि यह स्थानीय बीजेपी के नेता, बीजेपी का जो नेतृत्व है दिल्ली में बैठा हुआ, जो अहम और ठसक से भरा हुआ है, वह किसी भी कीमत पर लाखों कश्मीरी जनता और हजारों नेताओं की सुनने को तैयार नहीं है और बगैर सुने वहां शांति बहाल करना चाहता है, जिसका परिणाम है इन सरपंचों की हत्या। सवाल ये है कि क्या ये स्थानीय स्तर के नेताओं की हत्या रुकेगी, इनका बीजेपी छोड़ना रुकेगा? क्या यह बगैर शांति, बगैर भागीदारी, बगैर वहां के लोगों के कंसर्न के यह संभव है? और अगर नहीं संभव है तो सरकार द्वारा कहें या आतंकियों द्वारा, या जो खून खराबा का माहौल बना है, जाहिर तौर पर वहां के लिए अशांति का ही एक पहचान है। और कम से कम बगैर बातचीत के, बगैर वहां के लोगों की सहमति के, बीजेपी का वहां की राजनीति में गोली और बंदूक के दम पर बैठ पाना एक मुश्किल काम है। सत्ता भले चला लें लेकिन नेता बनना एक नामुमकिन सा काम जान पड़ता है। सुनिए वहां के लोग खुद क्या कहते। देखिए, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है उसको दबाने की कोशिश की जा रही, जो एक आवाज़ उभरी थी, जो डेवलपमेंट की आवाज़, जो विकास की आवाज़, आज पूरे जम्मू कश्मीर में हर गांव हर देहात में एक विकास हो रहा था। कुछ लोगों को, कुछ ताकतों को ये विकास और ये अमन जो यहाँ है, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए विद इन 48 घंटे के अंदर अंदर एक ही एरिया में दो सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। आरिफ साहब खुशकिस्मत थे, वो बच गए और आज सज्जाद साहब ने शहादत दी है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, मेरी गवर्नमेंट से ये डिमांड है, विद इन
विद इन 48 आवर्स एक ही एरिया में दो दो अटैक होते हैं। मुझे बताइए जनाब, आप लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं आपने उन लोगों को सेफ्टी दी, सिक्योरिटी दी, जो उस एरिया के 5 या सरपंच है, क्यों नहीं उनको सेफ प्लेस पे आपने पहुंचा दिया? मैं डीजी साहब से अपील करता हूं। देखिए, लॉन्ग पेंडिंग जो हमारी मांग है कि जो डेमोक्रेसी के बेसिक जो सोल्जर्स है उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, ये मेरी आपकी वसादत से मुझे, मैं डीजी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ। मोहतरम, हम इस्तीफा दे रहे हैं सरपंच जी से, हमें कोई फायदा नहीं, हमारे बाल बच्चे है ना, हमारा कोई न बीवी है न बाप है, इनका कौन फिर करेगा फिक्र? हम आज से न सरपंच के साथ है न कुछ है, आज ही दे रहे हैं इस्तीफा। न हमने आज तक कोई कमाया, एक पैसा नहीं कमाया इस सरपंच जी में न कुछ, और वो मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमें मरना नहीं है, बस हम दे रहे हैं इस्तीफा, बाकी कुछ नहीं बोल रहे।